सिंध हुकूमत हमेशा से ये क्लेम करती आई है कि सेहत की सहूलियात में ये सूबा बाकी सूबों से बहुत आगे है। खुर्शीद शाह ने ये ऑफर दी थी नवाज शरीफ को कि आइए हम आपका इलाज यहाँ से कराते हैं। आखिर क्या है NICVD में कि इतना चर्चा है इसका, इतना रश यहाँ पर है, बहुत से पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मुल्क भर से आ रहे हैं, कौन से प्रोसीजर हैं जो यहाँ पर किए जाते हैं और दिल का क्या कोई ऐसा मसला भी है जिसका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, तो इस सब की करेंगे बात। आप रहिए मेरे साथ। NICVD क्या वाकई एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है? जो ट्रस्ट पेशेंट्स का इस हॉस्पिटल पर है आखिर वो क्यों है? कौन से प्रोसीजर हैं जो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं और क्या कोई लिमिटेशंस भी हैं? इस सब पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD प्रोफेसर नदीम कमर साहब, उनसे बात करेंगे। नदीम साहब बहुत शुक्रिया समय अपने वक्त दिया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा व्हाट मेक्स NICVD अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल? NICVD इज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बिकॉज वी डू एवरीथिंग that is done, almost everything that is done anywhere in world's best centers such as Cleveland Clinic Mayo Clinic, the best of the hospitals in the world, we do exactly similar care, we do similar procedures, and we have highly trained staff, and we have all the equipment that is available. The only difference is that we are completely free. सर कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो NICVD में परफॉर्म किए जाते हैं? हम लोग यहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से मैंने कहा वो करते हैं, इलेक्टिवली भी एंजियोप्लास्टीज करते हैं स्टेंट्स डालने का, इसके अलावा हम बाईपास सर्जरी करते हैं, इसके अलावा वैल्वुलर सर्जरीज करते हैं, हमारे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लोग जो हैं वो टावी करते हैं जो एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट है विदाउट सर्जरी, इसके अलावा मिट्रल वाल्व की ओपनिंग जो होती है PTMC कहलाती है वो भी करते हैं हम, और सर्जरी सर्जिकल साइड पे LVAD विच इज़ आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट वो भी करते हैं। कितने पेशेंट्स हैं जो कि NICVD में आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 OPD में पेशेंट आते हैं और 1000 इमरजेंसी में आते हैं, और सिमिलरली ऑलमोस्ट 1000 ऐसे पेशेंट होते हैं जो डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स और टेस्ट के लिए आते हैं, तो ऑलमोस्ट 3000 पेशेंट्स यहाँ होते हैं और हमारी सेटेलाइट्स में भी इतने ही पेशेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है एज़ फार एज़ हार्ट इश्यूज़ आर कंसर्न्ड। डेफिनेटली आप पाकिस्तान की नहीं कहें बात, वी आर वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक सेंटर इन द वर्ल्ड, वी कैन कंपेयर आवरसेल्व्स टू एनी यूनिट इन द वर्ल्ड, एनी हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड दैट गिव्स कार्डियक सर्विसेज। सर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी एक लंबी मेडिकल हिस्ट्री रही है और वो बाहर से इलाज कराता रहा है और उसको बाईपास भी शायद हुआ होगा और मसाइल भी हो सकते हैं, साथ में गुर्दे का मसला भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, क्या उसका ये पॉइंट वैलिड है कि क्योंकि मेरा इलाज बाहर से होता रहा है तो मैं पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल से इलाज करा नहीं सकता या मेरा इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है? क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं होते पाकिस्तानी मेडिकल फैसिलिटीज़ से, वो चाहते हैं कि हमें बाहर ही भेजा जाए। देखिए हम हर किस्म का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये मुझे नहीं लगता कोई रीज़न के हार्ट की डिज़ीज़ का कोई ऐसा इशू है जिसके लिए अब लोगों को बाहर जाना पड़े। हम लोगों के पास पहले डेफिशिएंसीज थी, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन अब हमारे पास हमने हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया है। हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के कुछ प्रोसीजर नहीं होते थे, जो एब्लेशन के सर्टन एरिथमियाज नहीं थे, अब वो सब आ गए हैं, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास। हमारे पास जैसे टावी है जो एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट है विदाउट सर्जरी, वो भी हमारे पास आ गई है। और जिस तरह जुलाई 2017 से आप लोगों ने स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर आप प्रोवाइड करें पेशेंट्स को, अब हम देख रहे हैं कि बहुत रश है बाहर, बहुत ही ज़्यादा रश है। डेफिनेटली वो शो करता है कि पेशेंट्स का ट्रस्ट भी है, और क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे पेशेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सारे पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है? आप जैसे कहते हैं एक दिन आप हमारे इमरजेंसी रूम में गुजारें, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को। हमारा इमरजेंसी रूम हमेशा से ट्रेडिशनली भी बहुत फेमस रहा है फॉर डूइंग प्रोवाइडिंग गुड केयर, लेकिन अब इट्स फैंटास्टिक। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नदीम कमर साहब, साथ आप मौजूद थे। और जिस तरह आज हम जिक्र करें NICVD का, कितना ज़बरदस्त ये इदारा काम कर रहा है, और हमें अब सोचना होगा कि अपने इदारों पर भरोसा करना है, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा करना है, अपने अस्पतालों पर भरोसा करना है। ये मत सोचिए कि इलाज होगा तो बाहर होगा, शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन अपने इदारे इस काबिल हैं कि आपको वो प्रोसीजर प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। जितना भी पेचीदा मसला हो यहाँ पर कैपेबिलिटी है
कि आपका इलाज किया जा सके, तो क्रिटिसिज्म ज़रूर कीजिए लेकिन जो अच्छा है उसे अप्रिशिएट भी कीजिए। NICVD ज़बरदस्त यहाँ पर काम हो रहा है और किरण वाकई बहुत रश था और मैंने कुछ पेशेंट से भी बात की, दे वर वेरी सेटिस्फाइड और पूरे पूरे मुल्क से वहाँ पर पेशेंट्स आ रहे थे। जस्ट बिकॉज आप इमेजिन करें, लाखों के स्टेंट अगर डलने हैं, मुफ्त डल रहे हो, कोई प्रोसीजर हो वो मुफ्त हो रहा हो, तो ये ज़बरदस्त वहाँ पर चीज़ हो रही है और अच्छा काम वहाँ पर किया जा रहा है और एक्सटेंसिव वहाँ पर ये सारा सेटअप है।